एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली जो अभी अभी हम आए बाइक से, मैं, जीजू और सूरज, एक डैम है बनसिमली डैम, जो कि बालीडी से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है और बोकारो से करीब 12 किलोमीटर दूर बीच में। और ये डैम बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम जैसे मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसमें बहुत सारे नाव, बहुत सारे बोट्स चलते हैं। सेम वैसे ही है, बट इसमें बोट नहीं है, यही फर्क है। बाकी यही डैम का मतलब ये है कि द सेव ऑफ द वाटर, दे आर सेविंग वाटर्स फॉर फ्यूचर यूजेस, और इस पानी को रखते हैं सेव करके जो दूसरे नदी से आते हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए, जिससे कि जब गांव में इधर कम पानी कम हो तो उसे यूज़ कर सके उसके लिए। और यहाँ पे लोग, ये एक तरीके से टूरिस्ट पैलेस जैसे भी लग रहा है, बहुत से ग्रुप आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और फ़ोटो खींच रहे हैं। मैंने अभी देखा काफ़ी कपल्स आ रहे हैं, वही फ़ोटो खींच रहे हैं। कुछ बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो फोटो एक टूरिस्ट प्लेस के जैसे भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि छोटा शहर है तो ज़्यादा विजिटिंग प्लेस नहीं है यहाँ पे। से मेरे पीछे ये देख रहे हैं रोलर्स हैं, ये हैंडल्स हैं रोलर्स, जैसे नाव में स्टेयरिंग होती है उसी तरीके से। और इसका यूज़ जब होता है, जब इसके नीचे जो पानी को स्टॉप किया हुआ है, इसको जब पानी को गांव में छोड़ना हो, और धनबाद इवन बहुत दूर दूर तक ये पानी जाता है यहाँ से, क्योंकि देख रहे हो आप काफ़ी दूर तक है, बहुत दूर तक है ये नदी जो डैम है। और इसमें कुछ मीटर्स दिया हुआ है वाटर लेवल बताने के लिए, कुछ इसमें दिया हुआ है मेरे पीछे ये हाँ, तो ये वाटर लेवल बताने के लिए कि कितना पानी है अभी। शायद इस वाटर लेवल के अप आने के बाद ये छोड़ा जाता है जब शहर में पानी कम होता है। और भी कुछ है, देखते हैं क्या है। ओके, ये एक पार्ट है गड़गा जो नदी है उसी का है, तो इसमें लिखा हुआ है सैलियंट फीचर ऑफ गड़गा डैम कि ओके कि ये जो कितने एरिया यहाँ पे ये कवर करता है ये पानी, ओवरऑल पूरे झारखंड में कहाँ कहाँ, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ओवरऑल ये जगह एक, अगर आप फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं या उसके लिए बहुत अच्छा है। अभी हम लोग भी कुछ फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और मैं, जिया जी और सूरज, जो शायद हो सका तो मैं इस वीडियो को लास्ट में दिखा दूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने के लिए भी ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है इसका मेन गेट डैम का, गड़गा डैम का। और ये राइट साइड में जहाँ से हम आए वो ये रोड है, मेन रोड। और हाँ, ये कोई गांव का दूसरा बस्ती है। गेट इसका काफ़ी बड़ा है डैम का, जैसे इधर लगे हुए हैं स्टेयरिंग, वैसे उधर भी है वो स्टेयरिंग। जिया जी मेरे वीडियो बना रहे हैं मेरे मोबाइल से। आसपास के लोग इस डैम के पानी में नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग दूर में देख रहा हूँ मैं, वो लोग नहा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है कुछ। टोटल इसमें 6 गेट हैं। अच्छा, और गाय भैंस भी रहते हैं यहाँ पे, वो देखो। सो अभी घर से आने के बाद मुझे लगा सीधा घर ही जाना है, बट जिया जी कह रहे चलो डैम चलते हैं, तो आ गए। अच्छा लगा आके, क्योंकि मैं अभी तक यहाँ कभी विजिट किया नहीं था, ये मेरा पहली बार है इतने सालों में रहा। बचपन तो, खैर बचपन में तो आ ही नहीं सकते थे, पता नहीं कब बना है ना। यहाँ के रहने वाले लोग आए हैं जो यहाँ पे इस रोड का डेली यूज़ करते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं रोड में? ये आ रहा बनसिमली बस्ती से। अच्छा, कितना पुराना है ये डैम? ये 50 साल पुराना 50-60 साल पुराना है सर, बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है आज़ाद मलिक, इस्लामपुर में रहता हूँ, शिवंडी इस्लाम। मैं विश्वनाथ नाम है मेरा, मेरे VSK ब्लॉग के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। ठीक है सर, आपको क्या क्या नाम से है? VSK ब्लॉग। बता रहे सर, बता। सो अगर आप यूट्यूबर्स बिगनर हो, नए हो, तो आपको ऐसे लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है लोगों को भी, नए लोगों से मिलना जुलना सबको, और बड़े कैमरे में आना।
जो कुछ ऐसे बोल रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो उनका गाना। सो पूरे भारत में ये चीज़ मुझे देखने मिलता है, और मैं जब से शुरू किया तब से मुझे ऐसे लोग मिलते रहते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।